हेलो एवरीवन फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपको चैनल का मेंबरशिप ओपन करके दिखाऊंगा। यहाँ पे जो है मेरा 3000 वॉच आवर्स और यहाँ पे 500 सब्सक्राइबर पूरे हो गए, जिसमें मुझे सुपर थैंक्स और ये मेंबरशिप का ऑप्शन मिला इनेबल करने के लिए। तो फ्रेंड चलिए, मैं यहाँ पे जो है सुपर थैंक्स इनेबल कर लिया। सुपर थैंक्स इनेबल करने में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे मेंबरशिप ओपन करने के लिए मैं आपको पूरा सेटअप बताऊंगा और ये जो है मैं YT स्टूडियो में ऐप के थ्रू बताऊंगा कि कैसे आपको मेंबरशिप ओपन कर सकते हैं। यहाँ फ्रेंड्स जो है आप क्रोम ब्राउजर में भी जाके YT स्टूडियो में जाके वहाँ से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको यहीं से YT स्टूडियो में स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, मैंने सबसे पहले जो है क्रोम YT स्टूडियो ऐप को ओपन कर लिया। आपको यहाँ से ओपन कर लेना है। देखिए मैं यहाँ से इस पेज को क्लोज कर देता हूँ। क्लोज करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ से क्या करना है, YT स्टूडियो को ओपन कर देना है। ओपन करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। आपको यहाँ पे जो है अर्न वाले सेक्शन पे क्लिक कर देना है। अर्न वाले सेक्शन पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पे मेंबरशिप का ऑप्शन दिख जाएगा। यहाँ पे ऑलरेडी जो सुपर थैंक्स का ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा था, ये मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे ये ऊपर में आ गया, व्हाट यू आर यूजिंग। तो इसके बाद आपको फ्रेंड्स यहाँ पे जो है मेंबरशिप वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। मेंबरशिप वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। आपको यहाँ पे क्या करना है फ्रेंड्स, एक्सप्लोर नेक्स्ट स्टेप का ऑप्शन है, आपको इस पे यहाँ से क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद फ्रेंड देखिए यहाँ पे पूरा मैं आपको स्टेप बाय स्टेप लाइव करके बता रहा हूँ। मैं अपने चैनल का जो है मेंबरशिप यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ और मैं आपको पूरा लाइव दिखाऊंगा। इसके बाद फ्रेंड देख सकते हैं यहाँ पे जो तीन ऑप्शन है, ये तीनों ही जो है यहाँ पे इनेबल है। इसके बाद आपको यहाँ से कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद जो नेक्स्ट पेज है ओपन हो रहा है फ्रेंड्स। यहाँ पे फर्स्ट लेवल, थर्ड लेवल एंड फोर्थ लेवल, तीन लेवल है फ्रेंड्स। तो चलिए मैं यहाँ पे जो है पहला लेवल आपको ही यहाँ पे इनेबल करके दिखाऊंगा, बाकी थ्री लेवल और फोर्थ लेवल मैं ओपन नहीं करूंगा, एक लेवल ही ओपन करूंगा। तो चलिए फ्रेंड्स इसके लिए जो है यहाँ पे फर्स्ट लेवल वाला जो ऑप्शन है, यहाँ पे फर्स्ट लेवल को मैं यहाँ से क्लिक करूंगा और लेवल के लिए यहाँ पे क्या क्या चीज़ यहाँ पे जो अवेलेबल है, आप ये चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या क्या फैसिलिटी उसको हमको देना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ से फर्स्ट लेवल वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेता हूँ। जब फ्रेंड्स मैं फर्स्ट लेवल दूंगा कोई भी सब्सक्राइबर को, तो उसको उसके लिए मुझे क्या क्या करना पड़ेगा और यहाँ पे जो बैग्स है सबके लिए, अगर कोई भी वो कमेंट करेगा या कुछ भी करेगा तो हाईलाइट में उसका इस तरह से आएगा ये कलर। फर्स्ट लेवल के लिए फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं फोटो एंड स्टेटस अपडेट्स, अर्ली एक्सेस टू न्यू वीडियो के लिए मेंबर शॉर्ट आउट, और यहाँ पे जो है फ्रेंड्स प्रायोरिटी रिप्लाई टू कमेंट्स का ऑप्शन है। तो यहाँ पे जो है मुझे उसके जो कमेंट्स है उसको हमको रिप्लाई देना पड़ेगा। तो चलिए फ्रेंड्स ये सारे आपने देख लिया, फोटो एंड स्टेटस का अपडेट्स, अर्ली एक्सेस न्यू वीडियो, मेंबर शॉर्ट आउट, इसमें से जो आप रखना चाहते हैं रख सकते हैं, जो नहीं रखना चाहते हैं वो आप नहीं भी रख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स इसके लिए आपको यहाँ से कस्टमाइज वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। कस्टमाइज वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आपको जो है यहाँ पे आपका लिखा हुआ है अननेम्ड, तो आपको यहाँ पे अननेम्ड जो है आपको यहाँ पे कुछ नाम दे देना है। तो इसके लिए नाम देने के लिए फ्रेंड्स आपको यहाँ क्या करना है, क्लिक करना है यहाँ पे जो पेन का ऑप्शन है, इस पेन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है फ्रेंड्स। पेन वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पे लेवल नेम लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। तो आपको यहाँ से लेवल नेम वाला जो ऑप्शन ये देख सकते हैं, कीप इट शॉर्ट एंड मीनिंगफुल फॉर योर फैंस। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सिल्वर लिख देता हूँ फ्रेंड्स। आप यहाँ पे सुपर सब्सक्राइबर, बेस्ट सब्सक्राइबर, जो भी लिखना है आप लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे सिल्वर लिख देता हूँ, SILVER, यहाँ पे सिल्वर लिख दिया फ्रेंड्स। और इसके बाद जो है फ्रेंड्स इंडिया कर दिया, आप अगर इंडिया से हैं तो इंडिया रहने दें, और अदर कंट्री से हैं तो आप अदर जो जिस भी कंट्री से आप उसको यहाँ से सिलेक्ट कर लें। उसके बाद जितने का आप पैक डालना चाहते हैं ये उतना का आप डाल सकते हैं। तो चलिए इस एरो पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे जो है अगर आपका कम सब्सक्राइबर है तो आप यहाँ पे जो है कम का ही रखें, ये ज़्यादा का नहीं रखें, नहीं तो इसमें आपको ज़्यादा बेनिफिट नहीं होने वाला है फ्रेंड्स। तो चलिए मैं यहाँ जो है 119 रुपये का कर देता हूँ। 119 रुपया करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे जो है क्या क्या ऑप्शन है देखिए, आपको ये सब चीज़ फैसिलिटी देना पड़ेगा, फोटो एंड स्टेटस अपडेट, अर्ली एक्सेस न्यू वीडियो, और यहाँ पे जो मेंबर शॉर्ट आउट का ऑप्शन है, प्रायोरिटी रिप्ले कमेंट्स। तो फ्रेंड्स इसमें से कुछ जो है आप ऐड भी कर सकते हैं और कुछ हटाना चाहे तो हटा भी सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए फोटो एंड स्टेटस अपडेट्स का ऑप्शन है, आप अगर इसको रखना चाहे तो ठीक है, नहीं तो आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स मैं जो है इसको यहाँ से
डिलीट कर देता हूँ, मुझे ये नहीं रखना है। यहाँ पे अर्ली एक्सेस टू न्यू वीडियो वाला ऑप्शन है, ये मुझे रखना है। और मेंबर शॉर्ट आउट जो है ये भी मुझे नहीं रखना है, तो मैं इसको भी यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। और उसके बाद यहाँ पे जो है प्रायोरिटी रिप्ले टू कमेंट का ऑप्शन है, तो मैं उसके जो कमेंट है उसका मैं रिप्ले दूंगा, और मेरा जो वीडियो है उसको जो है अर्ली एक्सेस होगा। और साथ में जो है फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे ऐड पर्क वाले ऑप्शन पे क्लिक करके मैं उसको एक फैसिलिटी और देना चाहता हूँ कि मैं उसके लिए जो है पर्सनल लाइव स्ट्रीम करूँगा और उसका जो भी प्रॉब्लम है उसको मैं सॉल्यूशन करूँगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ऐड पर्क वाले ऑप्शन पे क्लिक करूँगा। ऐड पर्क वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे जाना है पेन आइकॉन पे, और इस पेन आइकॉन वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स देख सकते हैं यहाँ पे सिलेक्ट ए पर्क टाइप का ऑप्शन है, तो आप यहाँ पे इस पे क्लिक करेंगे। और इस पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे ढेर सारा ऑप्शन खुल जाएगा, तो इसमें से आप जो है कोई भी एक ऑप्शन चूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे जो है मैं मेंबर्स ओनली लाइव स्ट्रीम का ऑप्शन है, तो मैं यहाँ पे मेंबर्स के लिए जो है लाइव स्ट्रीम करने वाला हूँ, और ये फैसिलिटी मैं अपने मेंबर्स को देना चाहता हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे दे देता हूँ मेंबर्स ओनली लाइव स्ट्रीम, तो मैं इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ। फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए मेंबर्स ओनली लाइव स्ट्रीम का ऑप्शन है, इसके बाद आपको यहाँ से कट हो जाना है। कट होने के बाद मतलब हुआ क्या फ्रेंड्स, जब भी मैं लाइव स्ट्रीम करूँगा तो मैं पर्सनल मेंबर के लिए करूँगा, जो भी मुझे पैसा देगा 119 रुपये पर मंथ के हिसाब से, जो भी मुझे ज्वाइन करेगा जितने मेंबर, उसका जो भी प्रॉब्लम होगा उसके लिए मैं लाइव स्ट्रीम करूँगा फ्रेंड्स, और उसके कमेंट का रिप्ले दूंगा, और वहीं पे जो है उसको मेरा जो न्यू वीडियो होगा उसको अर्ली एक्सेस मिलेगा। इसके बाद क्या करना है फ्रेंड्स, आपको यहाँ से बैक आ जाना है, और बैक आने के बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पे जो है दो ऑप्शन दिख जाता है। अगर आप कुछ इसमें एडिट करना चाहते हैं, आपका नाम दिख जाएगा, आपका जो ज्वाइन मेंबरशिप है उसका नाम क्या है, सिल्वर है, और साथ में यहाँ पे क्या क्या फैसिलिटी हम दे रहे हैं उसको, अर्ली एक्सेस, न्यू वीडियो, प्रायोरिटी, रिप्ले टू कमेंट्स, और मेंबरशिप, मेंबर्स ओनली लाइव स्ट्रीम। तो यहाँ पे मेंबर्स के लिए हम पर्सनल लाइव स्ट्रीम दे रहे हैं फ्रेंड्स, ये फैसिलिटी है। और साथ में आप यहाँ पे कुछ लेवल को ऐड करना चाहते हैं तो ऐड भी कर सकते हैं, और नीचे में अगर आप सेव एज ड्राफ्ट का ऑप्शन है आप सेव भी कर सकते हैं, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं है। आपको यहाँ से सबमिट फॉर रिव्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। सबमिट फॉर रिव्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे फ्रेंड्स आपको जो है दो चेकबॉक्स दिखेगा, इस दोनों को आपको अगर पढ़ना है आपको इस टर्म एंड कंडीशन तो आप पढ़ सकते हैं, और उसके बाद पढ़ने के बाद फ्रेंड्स ये दोनों ये जो चेक बॉक्स है दोनों को आपको टिक कर देना है, और उसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पे सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ जो नेक्स्ट लेवल है फ्रेंड्स, यहाँ पे सबमिटेड फॉर रिव्यू, और मेरा जो चैनल है यहाँ पे सबमिट रिव्यू के लिए चला गया है और मेंबरशिप का, और यहाँ पे लॉन्च मेंबरशिप का ऑप्शन लिखा हुआ है जो कि अभी इनेबल नहीं है। ये इनेबल होने के बाद जब मैसेज जाएगा तो यहाँ पे जब मेरा अप्रूव्ड हो जाएगा तो ये लॉन्च मेंबरशिप जो है यहाँ पे ब्लू कलर में हाईलाइट कलर में आ जाएगा, और फिर मैं यहाँ पे लॉन्च मेंबरशिप कैसे इनेबल करना है वो मैं आपको करके दिखाऊंगा। फिलहाल मैं बताता हूँ कि जैसे आप यहाँ पे यहाँ इस स्टेप तक पहुँचेंगे वैसे ही आपके जीमेल पे एक मैसेज आएगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे, मैं इसे ओपन करके दिखा देता हूँ। तो इसमें एक मैसेज आएगा फ्रेंड्स, देखिए कि जब यू टेक्निकल फुटेज है योर पर्क्स आर इन रिव्यू, मेरा जो है यहाँ पे मेंबरशिप जो है चैनल मेंबरशिप यूट्यूब रिव्यू ऑल पर्क्स फॉर कंप्लायंस विथ यूट्यूब, तो यहाँ पे जो है मेंबरशिप पॉलिसी जो है मेरा रिव्यू के लिए गया हुआ है, और जैसे मेरा रिव्यू यहाँ पे जैसे ही फ्रेंड्स अप्रूव्ड हो जाएगा तो यहाँ पे यूट्यूब के ईमेल आईडी यूट्यूब के द्वारा जो है ईमेल आईडी पर एक और मैसेज दिया जाएगा। तो देखिए यहाँ पे जो है यहाँ पे पहला मैसेज जो है यूट्यूब पर्क्स इन रिव्यू, तो ये मेरा रिव्यू में गया, और जो यहाँ पे लाइव देख सकते हैं तुरंत एक मिनट ही बाद ही जो है यूट्यूब योर पर्क्स हैव बीन अप्रूव्ड, तो यहाँ पे देख सकते हैं फिर से मैसेज आ चुका है मेरा कि मेरा जो है चैनल मेंबरशिप यहाँ पे योर पर्क्स हैव बीन अप्रूव्ड, और मेंबरशिप मेरा अप्रूव्ड हो चुका है। यहाँ पे देख सकते हैं कॉन्ग्रेचुलेशन, यू आर वन स्टेप क्लोजर टू लॉन्चिंग मेंबरशिप ऑन योर चैनल एंड रीचिंग योर फैंस इन न्यू एंड एक्साइटिंग वेज। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं यहाँ पे जो है मुझे मिल चुका है अप्रूव्ड यूट्यूब की तरफ से। तब मैं आपको यहाँ पे यूट्यूब में लेके YT स्टूडियो में चलता हूँ फ्रेंड्स, और यहाँ से यूट्यूब स्टूडियो को ओपन कर लेता हूँ। यूट्यूब स्टूडियो को ओपन करने के बाद मैं फ्रेंड्स इस पेज को रिफ्रेश कर देता हूँ, और दोबारा से जो है मैं YT स्टूडियो को ऐप को ओपन कर लेता हूँ। और YT स्टूडियो ऐप को ओपन करने के बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पे सेम अर्न वाली जो ऑप्शन है आपको इसी अर्न वाले ऑप्शन में जाना है,
और अर्न वाले ऑप्शन में जाने के बाद फ्रेंड्स आपको जो है यहाँ पे जो है मेंबरशिप का ऑप्शन दिख रहा है, आपको इसी मेंबरशिप वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। मेंबरशिप वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद चलिए यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं मेंबरशिप लेवल जो है यहाँ पे अप्रूव्ड हो चुका है। ऑप्शनल फीचर का ऑप्शन है, कुछ आप एडिट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, मुझे इसे कुछ एडिट नहीं करना है। और यहाँ पे लॉन्च मेंबरशिप का ऑप्शन है, तो चलिए मैं यहाँ पे लॉन्च मेंबरशिप कर देता हूँ। और इस तरह से जो है फ्रेंड्स मैंने अपने जो ज्वाइन बटन को है जो मैं आपको इनेबल करके दिखाया हूँ, और आपको यहाँ से कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इस तरह से फ्रेंड्स जब आपका कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो आपका पूरा फीचर दिखा देगा। एस्टिमेट रेवेन्यू, अभी मैंने कुछ भी नहीं कमाया लास्ट 30 डेज में, क्योंकि ये मैंने आपके सामने लाइव किया हूँ, अभी जस्ट ही मैंने ज्वाइन बटन इनेबल किया हूँ। यहाँ पे जो मेंबरशिप लेवल टू अदर फीचर, अगर आप कुछ और भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। यू डोंट हैव एनी मेंबरशिप एट, अभी जो है मैंने कुछ भी नहीं किया, कोई एक्टिविटी नहीं किया है, रिसेंट जो मेंबर है अभी फिलहाल मैंने जस्ट लाइव किया। तो इस तरह से फ्रेंड्स मैंने मेरे वीडियो से अगर आपको कुछ सीखने के लिए मिला होगा और आपको लगता है कि मैंने सही जानकारी दी है आपको, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और ऐसी ही वीडियो और भी यूट्यूब पे ढेर सारा अपलोड किया मैंने, आप उसे भी जा करके देखिए। और आपका कोई सवाल या सुझाव है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं फ्रेंड्स। और साथ में चलिए मैं अब आपको अपने चैनल पे चल के दिखाता हूँ कि मेरा जो है वहाँ पे ज्वाइन बटन इनेबल हुआ है या नहीं हुआ है। इसके लिए मैं यहाँ से अपने यूट्यूब ऐप को ओपन कर लेता हूँ। यूट्यूब ऐप को ओपन करने के बाद चलिए फ्रेंड्स मैं अपने चैनल को यहाँ से सर्च कर लेता हूँ और देखता हूँ मेरे चैनल पे जो है ज्वाइन बटन इनेबल हुआ है या नहीं हुआ है। तो यहाँ पे मैंने सर्च बार में गया और सर्च बार में जाने के बाद यहाँ पे सर्च किया टेक्निकल फुटेज, तो यहाँ पे जैसे टेक्निकल और यहाँ पे फुटेज लिख देता हूँ फ्रेंड्स F00TAGE, तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे मेरा चैनल आ चुका है और मैं इसको यहाँ से लाइव कर दिया। और अब मैं आपको यहाँ पे कोई भी एक वीडियो जो है फ्रेंड्स मैं यहाँ से ओपन करके दिखा देता हूँ और देखते हैं कि इसमें जो है मेरा ज्वाइन बटन इनेबल है या नहीं। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं यहाँ जो है मेरा ज्वाइन बटन इनेबल हो चुका है फ्रेंड्स। और जैसे इस ज्वाइन बटन पे इनेबल करे कोई भी करेगा तो यहाँ पे जो है ऑप्शन आएगा ज्वाइन दिस चैनल 199, और ये सिल्वर नाम है मेरा चैनल का। जो भी कमेंट करेगा उसका उसको सिल्वर कस्टमर के नाम से जाना जाएगा, और उसमें क्या क्या फैसिलिटी है यहाँ पे उसको ये दिखा देगा। अर्ली एक्सेस, न्यू वीडियो, प्रायोरिटी रिप्ले टू कमेंट्स, और मेंबर्स ओनली लाइव स्ट्रीम। तो फ्रेंड्स बाद में अगर आप चाहे तो इसको एडिट भी कर सकते हैं, और अगर उसको पैसा देना होगा कोई भी कस्टमर को तो यहाँ पे ज्वाइन वाले ऑप्शन पे क्लिक करके वो आपको पैसा देगा और वो आपके लिए जो है प्राइम मेंबर बन जाएगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आप सब कुछ इजीली से समझ गए होंगे ज्वाइन बटन क्यों इनेबल करना चाहिए और ये इनेबल कैसा होता है और इनेबल होने के बाद कैसा दिखता है, ये सारा प्रोसेस मैंने आपको बताया फ्रेंड्स, अच्छे तरीके से समझाया। तो फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को देखिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, आपका सपोर्ट रहेगा तभी हम भी आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।